दार्जिलिंग से हम लोग उतर आए हैं और जस्ट नीचे व्यू देखिए, ये रही हमारी बाइक और ये पूरा उधर में सिलीगुड़ी है और इस समय हम पहाड़ पे खड़े हैं और वो रहा आई लव कर्सियन का जो बोर्ड है और ये पूरा सिलीगुड़ी देख सकते हैं। हम निकल रहे हैं और अभी राइट में दिखाएंगे आपको ये क्या ही व्यू आ रहा है यार। जस्ट लुक एट दीज माउंटेन्स। सॉरी गाइस, मैं बोल रहा था कि मैं जाने वाला हूँ कोसियांग, बट एट राइट नाउ मैं जाने वाला हूँ दार्जिलिंग में। एंड एज यू कैन सी द व्यू, क्या ही अच्छा व्यू है। ये पूरा पहाड़ी पहाड़ी पूरे देख रहे हैं, पाइन ट्रीज और ये छोटे छोटे घर यहाँ के बहुत ही सुंदर। अभी देखिए मेरी जो फ्यूल पंप है इसमें तेल एकदम ख़त्म होने वाला है क्योंकि पेट्रोल पंप हम लोग को मिला ही नहीं। और चलते हैं सीधा पहले पेट्रोल पंप, पेट्रोल ले लाते हैं, उसके बाद सीधे निकलेंगे दार्जिलिंग के साइड में। सो गाइस, ये यहाँ पे क्या ही व्यू आ रहा है यार। अभी हम लोग दार्जिलिंग की तरफ मूव कर रहे हैं एंड एज यू कैन सी ये धूप आ रही है, ऊपर पाइन के ट्रीज है और ये पूरा व्यू उधर। सो गाइस, यहाँ से बहुत संभल के ये देख सकते हैं, सुबह सुबह या रात में गाड़ी गिरी होगी, बाप रे ये नाले में चली गई और पूरा गाड़ी देख सकते हैं अंदर, सस्पेंशन भी टूट गया होगा इसका, ओह माय गॉडनेस। सो इसीलिए गाड़ी बहुत संभल के बहुत ध्यान से अच्छे से चलानी चाहिए। और स्पेशली मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आप कभी भी दार्जिलिंग आ रहे हैं तो रात में तो अगर ट्रैवल कर भी रहे हैं वैसे तो मत करिए, क्योंकि यहाँ जो ट्रैक्स हैं ना वो बीच में आते हैं और कभी कभी नहीं दिखते हैं। वो वहाँ पे अगर टर्निंग पॉइंट्स पे आप गलती से भी गलत टर्न किए तो पूरी गाड़ी स्लिप कर जाएगी। सो वहाँ तो मैं ये बता रहा था, अगर आपको आना है तो दिन में तेल डला लीजिएगा क्योंकि 7 बजे सुबह से पहले यहाँ का पेट्रोल पम्प नहीं खुलता है और शाम को ही बंद हो जाता है। और अभी हम लोग मेन दार्जिलिंग में जा रहे हैं, तेल हम लोगों ने डला लिया है, अब देखेंगे इधर का व्यू। गोप्रो टर्न ऑफ। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं दार्जिलिंग की तरफ और इधर आप कंचनजंगा का ये जो माउंटेन देख सकते हैं, बाप रे कती दामी छाना भाई। क्यों आगे व्यू मिलेगा? तो गाइस ये देख सकते हैं, ये पूरा कंचनजंगा पीछे पहाड़ और ये यहाँ का दार्जिलिंग का टॉय ट्रेन स्टेशन जो है, यहाँ पे जो गाड़ियाँ खड़ी हैं ये टॉय ट्रेन है जो चलती हैं दार्जिलिंग में। वन ऑफ द फेमस थिंग है दार्जिलिंग की। और ये है यहाँ की लोकल मार्केट्स, लोकल यहाँ पे जो लोग रहते हैं, यहाँ का मेन सिटी कह सकते हैं। सो गाइस, एज यू कैन सी आई लव धार, धार नामक एक जगह है और यहाँ से यहाँ फोटो पॉइंट शूट बना था क्योंकि इधर से ये पहाड़ का पूरा माउंटेन का पूरा व्यू आता है। अच्छा, ओ
कोई बात नहीं। किधर से जाएंगे ब्रो? दादा मेन दार्जिलिंग सिटी में जाने के लिए किधर जाएंगे? मेन दार्जिलिंग जो सिटी है ना, जो मार्केट है, मेन है ना, मेन में। हाँ हाँ ओके ओके ठीक है, थैंक यू दादा। सो गाइस अभी हम लोग वन वे में घुस गए थे, इतना कंफ्यूजन है ना, इधर से निकल रहे हैं चाय तो छोइना, चाय है इनके पूछना भैया, चाय मिल जाएगी क्या? चाय उधर में पिएगा? बाइक इधर में डालेगा वो, उधर में किधर में लगा दूं भैया? टूवर्ड्स आवर होटल, टूवर्ड्स ये देख सकते हैं, ये पूरी रेल है तो, और इसी में सारे डब्बे बंध के जाते हैं। This is a toy train engine. के थे और ये देख सकते हैं पाइन की ट्रीज, कितना ही सुंदर है पूरा एरिया इधर का। चार पांच खींच देना है, सो गाइस जस्ट लुक एट दिस व्यू यार, मतलब दार्जिलिंग ही है, खूबसूरत है। बस यहाँ की रोड पे ये पूरा पानी, जैसे देख सकते हैं पूरा पानी पड़ा है, तो यहाँ पे बहुत संभल के आना होता है। तो और ये देखिए पूरा इधर का व्यू, ये पूरे पाइन के ट्रीज और बीच का ये रास्ता, खूबसूरत रास्ता। और यहाँ के लोग यहाँ के नेचर को साफ रखते हुए, वाह भाई लोग, ग्रेट Great work you all are doing. GoPro turn off recording. यहाँ के tracks भी तो झाटू है ना, वहाँ गर्मी लगने लगी थी, यहाँ फिर ठंडा हो गया। So guys, ये रहा कुछ इस तरीके का खूबसूरत रास्ता, मैं देखता हूँ आपको क्या दिखा सकता हूँ, अदरवाइज मैं ये व्लॉग यही एंड करूंगा। और पूरा जो इधर का रास्ता है ना, एक नंबर है, प्लीज शेयर माय वीडियो, आगे बढ़ाइए, क्योंकि एक्सपेंसेस मेरे खुद के लग रहे हैं, बहुत लग रहे हैं, और उससे मैं गेन नहीं कर पाऊंगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सो थोड़ा तो प्रॉफिट में होना चाहिए कि ताकि मैं और एसेसरीज अपने जो चीज़ें हैं, जो राइड्स हैं उसमें, गैजेट्स में मैं इन्वॉल्व कर सकूँ और बढ़ा सकूँ, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो आप लोग आगे बढ़ाएंगे तो ज़रूर जाऊँगा।
सो फिलहाल गाइस रूम पे पहुंचने वाले हैं और चलते हैं। देखा ना, देख देखे, तो चलते हैं वहां पे, बैग उठाते हैं, उसके बाद वहां से निकलेंगे। लुक एट दिस होल व्यू, यही कह सकता हूँ और बाकी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि नजारे ही है जो सब कुछ बयां कर देते हैं। ये है टॉय ट्रेन। सो गाइस अभी दार्जिलिंग से हम लोग उतर आए हैं और जस्ट नीचे व्यू देखिए, ये रही हमारी बाइक और ये पूरा उधर में सिलीगुड़ी है और इस समय हम पहाड़ पे खड़े हैं और वो रहा आई लव कर्स्योंग का जो बोर्ड है और ये पूरा सिलीगुड़ी है, देख सकते हैं आप, ये पूरा सिलीगुड़ी है, ये पहाड़, ये दामी रास्ता, मतलब अच्छा रास्ता, दामी मतलब अच्छा ना। हाँ बैंक So guys, look at this view, यार क्या ही व्यू है, गजब गजब, पूरा खाली सा। Awesome नजारे, awesome views. This is just awesome. So guys, आज रास्ता देख लीजिए क्योंकि यहाँ पे फॉग होता है तो नज़ारे अच्छे नहीं आते हैं, बट अभी का नज़ारा वाह। वहां ट्रैक करके जाने में अच्छा लगेगा। तो वहां चलेगा एक बार, चलते हैं टशन। ओ जस्तो वेंट चाया ला, वहां पे हम लोग इसलिए नहीं रुके, बहुत भीड़ थी, कोई फायदा नहीं है रुक के, कई बार दिखा चुका हूँ, क्या ही दिखाऊं बार बार। और यहाँ ऊपर से हम लोग आ रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू डाउनहिल।
ब्रेक पैड्स की बात कर रहे हो ना? हाँ। लेकिन वो बदबू नहीं मारते। कहाँ से चला रहा भाई? पूरा आधा रोड टर्न कर रहा है। अच्छा यहाँ से ट्रैक्स नहीं है पता है? ये देखिए गाइस, सीधा टर्नओवर्स। अपहिल में जाना सेफ है, डाउनहिल में जाना खतरा है। अपहिल में सेफ है, डाउनहिल में खतरा है। सो गाइस, अभी हम निकल रहे थे और अभी कोस्यांग से नीचे आ गए हैं, बट ये गाड़ी का जो ब्रेक है ना, अपने आप पीछे वाला नहीं लग रहा है, तो पता नहीं क्या हुआ चलते चलते गाड़ी में। सो गाइस, फाइनली घर पहुंचने वाले हैं एंड जस्ट लुक एट दिस व्यू। So guys, this is the area of officers like army, and यहाँ पे officers हैं army के। So please guys, ऐसे support करते रहिए, तब तक के लिए ध्यान रखिए, take care, राम राम आप सभी को, और मिलते हैं फिर दूसरे किसी अच्छे से vlog में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, take care, bye bye, bye bye।